लगता है हमें हमारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा हो चुका है हमको। क्या है? हमारी उम्र से ज्यादा हमको तजुर्बा हो चुका है। कहाँ तजुर्बा कर लिया भाई? कह रहे हैं ना, मतलब शादी करनी है। तो करो, मैं अभी अभी तो मेरी जेब में लड़की नहीं है, नहीं, मैं ढूंढने पड़े। लड़की ढूंढ ले तूने? अरे हमें बताया ही नहीं, नहीं बता पाए। कब, कितने दिन हो गए लड़की ढूंढे हुए? 6-7 महीने। 6-7 महीने से लड़की ढूंढ लिए हो और पंडित जी से अपना मुहूर्त या कुंडली उंडली नहीं? नहीं नहीं नहीं, पंडली, अच्छा कुंडली भी दिखा लिए हो? नहीं नहीं, फिर मानते नहीं कुंडली में, मानते नहीं, और सब तो उल्टा हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, कुंडली को नहीं मानना चाहिए। ये कौन है कन्या, कहाँ रहती है? अपने ही शहर में है कि पराए शहर में है? नहीं, इसी मोहल्ले में रहती है। इसी मोहल्ले में? और हमको कानो कान खबर नहीं? और 6 महीने से काम, मतलब मेल मिलाप चल रहा है और मोहल्ले वालों को कुछ मालूम नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ता ना? किसको नहीं फर्क पड़ता है? हमको कि लड़की को, या लड़की के माँ बाप को, या किसको नहीं फर्क पड़ता? किसी, सभी को। अच्छा, आजकल सब अपने अपने ध्यान में मग्न हैं तो उनको आने जाने वाले का पता नहीं चलता, नहीं चलता। अच्छा, लड़की से शादी कर रहे हो तुम तो। आजकल कमाई क्या कर लेते हो? वैसे तो कुछ कमाई करते नहीं हो। करते नहीं हो तो दुकनिया पे आके बैठो, दूठो रुपली तुम कमाओ, दूठो हम कमाई, दू तुम खाओ दू हम खाई। क्यों कि सारी जिंदगी मैं ही बर्तन ढोता 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 ढोता, फिर एक दिन सांस बंद और चलो भाई बाप गया, काम खत्म। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं पड़ेगी जरूरत। किस चीज की? पैसे की, कमाने की। मिल गया यानी कोई खजाना मिल गया? ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो आर्मी वाले भैया थे ना जिनकी बात हो रही। आर्मी वाले भैया? हाँ, वो ठाकुर जी के बेटे। अच्छा, उन्हीं की बहू है। और ठाकुर जी कहाँ है? वो तो नहीं है यहाँ पे अभी। यहाँ पे नहीं है? और उनकी बहू है? उनकी बहू है। ये कौन से ठाकुर की बात कर रहे हो तुम? वही जो हमारे मोहल्ले में है, ठाकुर जी। ठाकुर जी, उसके 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 बेटे को गुजरे तो आज कई बरस हो चुके? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? वो निकले थे। तो वो लड़की की उम्र क्या होगी अब? 30-32 होगी। केवल 30-32? नहीं भाई, क्या बात करते हो। जब शादी हुई उसकी 10 साल पहले तो केवल 22 बरस की थी जी। वो तो पढ़ी लिखी औरत लगती है। वो तो, हाँ, वो तो पढ़ रही, जब शादी हुई थी तो उसके बाद भी पढ़ाई करती रही। अरे बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके साथ शादी करनी है, यानी कुल मिला के वो विधवा है अब। अच्छा, एक बात बताओ, तुमको तो जाहिर है कोई भी लड़की पसंद आ सकती है। ऐसा तो मर्द मर्द को कुछ भी पसंद चल पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मर्द तो देखते ही पसंद हो जाता है। नहीं, उसको तुम कैसे पसंद आएगे वो बताओ। तुम्हारा क्या रूप रंग देख लिया उसने जो तुम उसको पसंद आएगा? भैया, रूप रंग नहीं, सोच मिलती है हमारे विचार, सोच विचार मिलते हैं हमारे। बहुत बढ़िया बात कही तुमने। आज तक तुम्हारी माँ के साथ हमारी सोच विचार तो नहीं मिले, वो तुम्हारे 4-5 महीने में सोच विचार मिल गए उसके साथ में। हाँ, हम भी परेशान हैं। तो कैसे यार, ऐसे कैसे, क्या क्या चीज खिलाई उसको तुमने, या उसने तुमको कौन सी ऐसी चीज खिलाई दी है कि जो मतलब अब बहुत सुमधुर लगने लग गई है? नहीं, खिलाया पिलाया तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस बस। पनियों भी नहीं पिलाया? चाय पी, चाय पी है ना, तो बिस्किट भी खाया होगा। भैया एक बात सुनो,
कोई इंसान किसी को पसंद आता है तो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाने के बाद पसंद आता है ना जी। ऐसे खाली देखने से थोड़ी पसंद आ जाता है। तभी तो बोले तो अब तक कहां कहां तक हो गए हो। तभी तो बोल रहे थे उनसे नहीं, मतलब कितने कदम आगे बढ़ चुके हो वो बताओ ने। बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शादी सारे कदम पूरे हो चुके हैं। तभी तो शादी कर रहे हैं समझ में। मतलब प्रेग्नेंट हो गई है? नहीं नहीं उतने भी दूर नहीं गए। उतने दूर नहीं गए ना। अरे गनीमत है भाई। आजकल नहीं तो प्रेगनेंसी पहले होती है शादी और कमवाई बाद में होती है। नहीं नहीं विधवा 32 बरस। और तुम कितने बरस के हो गए हो? 25। 7 बरस का फर्क तो कोई बड़ी बात नहीं। 25 और मर्द हो तो सोच विचार मिल रहे हैं कि क्या करना है उस सब। फिर माँ बाप की तो कोई रीझ नहीं होती, उनका तो कोई दिल नहीं होता कि बेटे की शादी करनी है तो धूमधाम के। अब जो पहले से शादीशुदा है, अब जो पहले से शादीशुदा है उसका क्या धूमधाम करें। लेकिन हमारी तो पहली शादी है। आप तुम्हारी पहली है, उसकी दूसरी और किसी की विधवा है, उसकी क्या खुशी मनाए शादी करने के टाइम। अरे शादी करके तो निकल गए थे वो लड़ने के लिए, अब उसकी गलती थोड़ी है कि उसकी शादी हुई है। ये बहुत दुखद घटना है। दुखद घटना है, मानता हूँ। एक शहीद की औरत है, इसमें कोई शक नहीं बेटा। हाँ तो फिर उसी लिए तो उसको उतना ऐसे मत बोलिए कि नहीं नहीं बेटा शादीशुदा। मेरा मतलब एक शहीद की औरत का हम पूरा सम्मान करते हैं। ठाकुर को मालूम है? हाँ ठाकुर जी को हम संभाल लेंगे। कैसे संभाल लोगे? वो तो कट्टा रखते हैं अपने जेब में। मार देंगे क्या? दादा से मार ही देंगे ना, क्या कर लेंगे ठाकुर? तो हमारा बच्चा मर जाएगा तो जैसे उसका मारा वैसे हमारा भी। अरे ठाकुर है तो ऐसे ही मार देंगे क्या? अच्छा तुम्हारे अंदर भी काफी दम है। नहीं नहीं उतना दूर नहीं जाएंगे, लेकिन मना देंगे हम ठाकुर जी को। बस आपसे बात करना था पहले। हमसे तो बात हो गई नहीं, आप बताइए कि क्या है क्या नहीं। मत करो बेटा ऐसा काम, मत करो। हमारी बड़ी रीझ है, हमारी बड़ी इच्छा तुम्हारी शादी किसी कुंवारी कन्या से और छोटी लड़की से करें। वो भी कुंवारी ही है, बस सबके सामने शादी हो चुकी है उसकी एक बार, बस वही गलती है उसकी। बेटा मैं मानता हूँ उसका दोष नहीं है, ये तो किस्मत का दोष है उसकी, उसका घर वाला गुजर गया। ये भी हमारी किस्मत का दोष है कि हमसे हमको उनसे प्यार हुआ। अब यही मान के चलिए आप, या तो शादी करेंगे तो उनसे करेंगे या जिंदगी भर तुम्हारा रहेंगे। सीधी बात, जाओ कर लो बेटा। अगर मुझे खुद ही करना होता तो मैं आता ही नहीं ना आपके पास। तो जिस तरह से तुम आए हो, तुम तो सब कुछ तय करके आए हो, खाली रेवड़ी खाना बाकी है। ऐसा हाँ, और ऐसा क्या? मत सोचिए। और क्या सोचूं मैं? मेरा बेटा शादी कर रहा है और बस सब कुछ तय कर लिया उसने बाप को आके। तुम मैं तो बड़ा खुश इस बात से हूँ कि अभी तक तुमने निमंत्रण पत्र नहीं टाइप करा के तो मेरे हाथ में दिया कि ये मेरी शादी का दिन है, ये जगह है, इधर पहुंच जाओ, हम शादी कर रहे हैं। ये तो अभी छपवाने बाकी है ना, कि छप चुके हैं। ऐसा सच्ची बोलना, डेट वगैरह सब तय हो गई है? वैसे कुछ भी तय नहीं हुआ, हम तो पहले आपसे बात कर रहे हैं। लड़की राजी है शादी करने के लिए? पहले आप तो राजी हो जाए फिर उनसे। ना ना मैं अगर राजी हो गया तो लड़की राजी है? वो हमारे घर में बहू बन के आएगी, समझ गए ना? तो फिर तेरे एक जगह बहू बन के जा चुकी है, वो देख रही है क्या हो रहा है। नहीं आएगी वो, यहाँ नहीं आएगी, हमारे घर में नहीं आएगी। क्यों? हमारी बहू हमारे घर नहीं आएगी? काहे? हम जाएंगे वहां। यार ये तो बड़ा अच्छा वो ठाकुर की जो हवेली है नहीं। उस लड़की के नाम कर दी उसने? ऐसी बात नहीं है, दौलत तो उसके पास भी बहुत है ठाकुर जी। कहाँ से आई उसके पास दौलत? अरे ठाकुर की बहू है, ठाकुर ने रोड से थोड़ी उठा के बहू बनाया होगा। अच्छा उसके पीछे पिछवाड़े में काफी पैसा है। हाँ अच्छी बात है। अच्छा सुनो,
अगर तुमको उसके साथ शादी करनी है, उसके घर पे जाके रहना है, खाने पीने का तुम्हारा इंतजाम तो हो गया, अब जैसे तुमने आते ही बोला था अब कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मान लो थोड़े दिन के बाद अगर उसका जी भर गया कि ठीक है अभी बहुत हो गया, ये एक्सपीरियंस काफी हो गया, अभी किसी और से किया जाए, तो तब तुम्हारी क्या दशा होगी बेटा? घर जमाई का पता क्या होता है बेटा, मालूम है क्या होता है? जमाई नहीं बनता है। नहीं तो घर तुम अपने घर ला रहे हो, हम घर जमाई तो बन रहे हो, घर जवाई ही तो बन रहे बेटा। नहीं नहीं नहीं, और घर जवाई का मतलब होता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नहीं, घर जवाई नहीं, जो आदमी अपना अपनी जड़ को भूल कर चला जाए, किसी और के चौखट पे जाए और ससुर घर जवाई कुत्ता, और सबसे बड़ा कुत्ता वो जो जीते जी अपनी सारी दौलत बांट दे, समझ गए ना बेटा? इज्जतदार हो तो अपने घर में अगर वो आने के लिए राजी हो तो उसके साथ शादी करो। मैं भी चाहता हूं कि तुम जो एक नेक काम कर रहे हो, किसी विधवा का घर बसा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसको बोलो अपनी जो दौलत है वो अपने घर रखे, हम जैसे निर्वाह करते हैं 2 रुपए में, तुमको बताया कि तुम्हारी इसकी कीमत जितनी है उसको मालूम है, हम यही पहन के गुजारा करते हैं। उसके पास अगर अपने पुराने कपड़े पड़े हैं तो वो ले आए, भले कोई बात नहीं, लेकिन हम जो देंगे पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जैसे तुम्हारी मदर रहती है, अम्मा रहती है, वैसे वो भी हमारे घर में रहे, एक कमरा तुम्हारा एक हमारा, और तुम अपना जीवन व्यतीत करो, हम अपना जीवन। लेकिन बेटा हमारी एक, बैठ जाओ, हमारी एक बात सुन ले अच्छी तरह, कभी भी अपना सम्मान खोना मत, कुछ भी हो जाए जीवन में अपने सम्मान से ऊपर कुछ नहीं है। सम्मानित बन के जब काम करोगे, उसके साथ शादी करोगे, उसके मन में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, सप्ताह में एक दिन उधर जाके रह जाना, तुम लोग दोनों चेंज हो जाएगा, उसके घर में, उसकी हवेली में, जहां भी वो रहती है। हाँ, लेकिन उसको बोलना उसके बैंक बैलेंस से तुमको कोई प्यार नहीं, इतना बोल दो मेरी तरफ से। तो उसके ना घर से कोई लगाव है तुम्हें, उसके साथ तुम्हारा लगाव है, तुम्हारा लग्न उसके साथ होगा, ना कि उसके पैसे के साथ, और ना ही तुम उसके घर के साथ कोई संबंध रखते हो। तुम अपने घर, तुम्हारे बाप के पास 2-4 राने हैं, जो है तो सही, इज्जत से रोटी तो खा रहे हैं। हाँ। तो तू भी अपनी इज्जत से रोटी खाना, उसको बोलना हम अपनी दुकान पे काम करेंगे जी। जो दुकान पे कमाई होगी आज के बाद तुम्हारी और मेरी आधी आधी, ठीक है, आज से तुम मेरे पार्टनर। लेकिन इज्जत से उसको जाके बोलो कि पापा राजी हो गए हैं, केवल एक बात है कि तुम हमें अपनाओ, हम तुम्हें अपनाएं, लेकिन तुम्हें हमारे घर चलना होगा। ठीक है बेटा, जाओ। हम उनके यहाँ घर जमाई बनके नहीं जा रहे हैं। फिर क्या करके जा रहे हो? ना हम उनके यहाँ रहेंगे ना वो हमारे यहाँ रहेंगे। कहाँ रहोगे? अलग से रहेंगे, ऐसा नहीं वो है। जगह जगह तो वो खरीदेगी ना? नहीं। हाँ, फिर कौन खरीदेगा? तुम खरीदोगे? नहीं, भाड़े का रहेगा। भाड़े, भाड़ा देने की औकात है तुम्हारी? आ जाएगी। कहाँ से? कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे। चलो, तुम्हारी ये भी बात मानी। मैं भी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा है। बिल्कुल बेटा, मैं तेरी बात मान गया। ये हुई खुददारी की बात, ये हुई सम्मानजनक बात। तुम बोलो हम किराए पे रहेंगे, आधा आधा किराया बांट के दे देंगे। क्यों? अच्छा, एक बात याद रखो, जिस दिन वो तुम्हारे साथ शादी करेगी उसके पति की पेंशन उसको मिलनी बंद हो जाएगी जी। हाँ, ये याद रखो। हाँ। उसको ये बोल देना कि मिलिट्री की औरत को तब तक मिलती है पेंशन जब तक वो विधवा है, उसने दूसरी शादी नहीं की। जब दूसरी शादी कर लेती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है, ये पक्का है। उसको शायद पता भी नहीं होगा उसका पेंशन आ रहा है। आ तो रहा होगा बेटा, डायरेक्ट बैंक में जमा होगा। चलो जाओ, हमारी तरफ से प्रपोजल बिल्कुल उसको दे दो, और मान गए हम।
शाबाश करो शादी जाओ अरेंजमेंट करो ठीक है।